नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल चैनल लिस्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डिश टीवी द्वारा लॉन्च किया गया जिंग सुपर एफटीए बॉक्स की आज आपको इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाने वाला हूं। दोस्तों, जिंग सुपर एफटीए बॉक्स वीडियोकॉन D2H का जिंग सुपर एफटीए बॉक्स कहें या डिश टीवी का जिंग सुपर एफटीए बॉक्स कहें, डिश टीवी D2H ने लॉन्च कर दिया है अपना एक बेहतरीन फ्री टू एयर सेटअप बॉक्स। दोस्तों, इसे आप रिचार्ज से भी चला सकते हैं और बिना रिचार्ज का भी। बिना रिचार्ज का आपका जिंदगी भर चलेगा। डीडी फ्रेश के साथ आपको 150+ टीवी चैनल इसमें फ्री मिलेंगे। डीडी फ्रेश के 186+ ये अपनी तरफ से 100+ टीवी चैनल दे रहा है। 290 के आसपास में टीवी चैनल ये शो कर रहा है, लेकिन आप बॉक्स को चलाएंगे तो आपको 290 से ज़्यादा आपको यहाँ पे टीवी चैनल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज इसी बॉक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और सबसे पहले इसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो और अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा शेयर करते हो तो दोस्तों आपको मिल सकता है जिंग सुपर एफटीए बॉक्स बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। और आप लोग चैनल पे नए हो तो ऐसे ही बेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रोकूंगा आप लोगों को। जो आपने इससे पहले अभी व्हाइट टी शर्ट में हमारी वीडियो देखी, वो बहुत पहले मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, लेकिन इस क्लिप को यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ इसलिए। दोस्तों देखो, हमारे बड़े चैनल पे भी ये वीडियो आ चुकी है जिंग सुपर एफटीए बॉक्स की। ज़बरदस्त तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया है कि इस बॉक्स को आप कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, किस प्रकार से लेंगे, किससे लेंगे, लेकिन इसके टीवी चैनल लिस्ट क्या है, इसकी डिटेल क्या है और भी अधिक जानकारी तो मैंने इसी चैनल साहिल चैनल लिस्ट पे बना दी थी वीडियो। बट क्या है ना, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं कि हर एक वीडियो में नहीं बोल पाया जाता है, छूट जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे भी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा इस बॉक्स की। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़ोरदार अनबॉक्सिंग मिलेगी जिंग सुपर एफटीए बॉक्स की। हालांकि दोस्तों, ये बॉक्स काफ़ी बेहतर है। अभी यकीन मानो, मैंने अनबॉक्सिंग तो कर दी है, मैं आपको चला के इस वीडियो के बाद ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे हाथ में है तो अभी ये मेरे हाथ में अनबॉक्सिंग, इसकी पन्नी तक मैंने अंदर की बॉक्स की नहीं खोली है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे इसका प्रोग्रेस आगे बढ़ता रहेगा, अनबॉक्सिंग होती रहेगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोगों को इस बॉक्स की पूरी डिटेल दिखाते हैं। दोस्तों, एक बात के लिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, अगर आप हमारे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और सबसे पहले कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर करते हैं और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे भाई आपको मिल सकता है आपके एड्रेस पे बिल्कुल फ्री में फुल HD सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों जल्दी करें, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट करके इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा जिंग का सुपर एफटीए बॉक्स। दोस्तों, हमारे पास जो बॉक्स है जिंग D2H सुपर एफटीए बॉक्स है और ये डिश टीवी जिंग सुपर एफटीए बॉक्स भी आता है और जिंग सुपर एफटीए बॉक्स भी आता है। तीनों कंपनियां एक ही हैं दोस्तों और इनकी जो पैकिंग होती है सेम एक ही जैसी होती है और इसकी पैकिंग आप लोग देख सकते हैं, कंपनी का माल है और कंपनी की जो माल होती है, जो इसकी ब्रांडिंग होती है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हैं स्पेशल एडिशन लिखा हुआ है, पावर्ड बाय डिश टीवी D2H। तो दोस्तों, डिश टीवी D2H एक में मर्ज हो चुके हैं पिछले कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टिकर लगा हुआ है स्पेशल एडिशन, स्पेशल बॉक्स बनाया गया है सिर्फ डीडी फ्रेड्स के उपभोक्ताओं को ध्यान में रख के कि डीडी फ्रेड्स के उपभोक्ताओं को कैसे इस बॉक्स के माध्यम से खींचा जाए। दोस्तों, डीडी फ्रेड्स पे आप डीडी फ्रेड्स का जो बॉक्स है उसमें आप जो फीचर्स नहीं पाएंगे वो फीचर्स आपको इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, यानी कि पेड टीवी चैनलों की। तो दोस्तों, आइए इस सुपर बॉक्स की अनबॉक्सिंग हम करके आप लोगों को इस बॉक्स में, इस वीडियो में दिखाते हैं। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहां से इसे निकालते हैं और उसके बाद से दोस्तों इसे हम निकाल देते हैं। दोस्तों बात करें, एक आपको ऑडियो वीडियो केबल मिल जाता है दोस्तों, ये कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये ऑडियो वीडियो केबल आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसे हम साइड में रखते हैं।
बात करें दोस्तों, इसमें एक सेल मिल जाता है जो कि आप रिमोट में लगाएंगे, तो दोस्तों सेल की भी क्वालिटी बेहतर है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक एडाप्टर मिल जाता है, एडाप्टर को मैं आप लोगों को दिखा दूँ सही तरीके से। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रहा एडाप्टर, और एडाप्टर पे दोस्तों हाई ब्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ISF प्रमाणित है, BIS.government.in से रजिस्टर्ड है, यानी कि ये पूरा माल इंडियन माल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। और बात करें दोस्तों एडाप्टर की, जो क्वालिटी है अच्छी है, लेकिन यार थोड़ा सा ये जो एडाप्टर है हमें हल्का नज़र आया। इसकी जो क्वालिटी है वायर की, दोस्तों यहाँ पे वायर देख सकते हैं आप लोग, बेहतर वायर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो इसकी पिन में क्वालिटी है, पिन में आप लोग देख सकते हैं बीच में एक पिन निकली हुई है, तो ये अन्य एडाप्टर चाहे आपके दूसरे एडाप्टर को लगा लें तो मुश्किल होगा। हाँ, अगर ये एडाप्टर ख़राब हो जाता है तो इसकी वायर को काट के आप लगा सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों ये तो टेक्नीशियन का काम है, ये तो टेक्नीशियन करेगा, इंजीनियर करेगा, इलेक्ट्रीशियन करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं इस रिमोट की रिमोट के बारे में आप लोगों को हम बता दें। दोस्तों ये रहा इसका रिमोट, रिमोट की जो क्वालिटी है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, 5 बटन्स ऊपर के जो डेडिकेटेड बटन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, ये टीवी के लिए दिए जाते हैं। और यहाँ पे हमारी समझ से जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पे कोई बटन दबाएंगे तो इस बटन पे शायद लाइट जले। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव का बटन है, 5 का बटन है, गाइड का और रुपीज का है। लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वेल आइकन है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मैसेज आता है तो उसको देख सकते हैं हेल्प के लिए। तो दोस्तों वेल आइकन की बात नज़र आई, तो दोस्तों हम वेल आइकन को बताते चलें कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वेल के आइकन पे एक बार क्लिक कर दीजिए वीडियो देखते देखते, और ऊपर ऑल वाला जो क्लिक होगा उस पे जाके आप क्लिक कर दीजिए, तो दोस्तों आप जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड बटन्स हैं, तो इनका भी काम है ये मैं आपको बताऊँगा। ये पावर का बटन है, आप देख सकते हो टीवी के लिए भी और उसके बाद से इसके लिए भी, बॉक्स के लिए भी। यहाँ पे इन्फो का बटन है, बैक का बटन है, और ये बटन्स, इन सब बटन्स के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा। और यहाँ से दोस्तों आप लैंग्वेज यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ से भी कुछ कौखा गगल लिखा हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या है। यहाँ पे D2H की ब्रांड लोगो है। यहाँ पे दोस्तों कुछ एक चीज़ें मेंशन है जिसे आप लोग बखूबी पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके ये जो थोड़ा सा पैसे के हिसाब से भैया माल थोड़ा हल्का लग रहा है, ये खुल गया ये देखिए, अच्छा बड़े प्यार से ये खुलता, ये देख सकते हो आप लोग AAA यहाँ पे सेल लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है, सही है, थोड़ा सा सरकाना होता था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है, वो यूजर गाइड मिल जाता है, जिससे यूजर गाइड पे आप लोग देख सकते हैं वीडियोकॉन D2H की पूरी डिटेल लिखी हुई है। इस बॉक्स का मॉडल है 2090S, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कुछ दो पन्नों का, चार पन्नों का ये गाइड आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिल जाता है कैसे लगाना है। खैर ये तो जनरल सी चीज़ें हैं। नीचे एक स्टिकर है, उस स्टिकर को तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि उस स्टिकर में ही पूरा मतलब हमारा एक्टिवेशन का प्रक्रिया प्रोसेस है, तो इस स्पेशल एडिशन को हम यहाँ पे रखते हैं, आप लोग देख सकते हैं स्पेशल एडिशन। अब दोस्तों जो बात है इस बॉक्स की, मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये रहा दोस्तों प्यारा सा नन्हा सा बॉक्स। दोस्तों बॉक्स की क्वालिटी तो बेहतर है, यहाँ पे D2H लिखा हुआ है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे D2H का ब्रांड लोगो है। यहाँ पे दोस्तों आपको अगर ये बॉक्स बुक करवाना है, ख़रीदना है, तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूबर नंबर नहीं दिखाता, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये DISH TV कंपनी का है और कंपनी की चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ, तो अगर कोई दिक्कत आती है, यहाँ पर भी लिखा है कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पर सर्विस रिलेटेड
असिस्टेंट कॉल के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विस रिलेटेड असिस्टेंट के लिए यहाँ पे भी मतलब दोनों नंबर सेम ही है, ठीक है। बॉक्स के नीचे कुछ डिटेल लिखी हुई है, इस डिटेल को नहीं दिखा सकते दोस्तों। यहाँ पे आपको वीडियोकॉन D2H का यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा लोगो, और उसके बाद मेड इन चाइना यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं LNB इन का ऑप्शन है, और LNB इन वाला जो वायर है यहाँ पे लगता है। ये ऑडियो के दोनों पोर्ट हैं, ये वीडियो के पोर्ट हैं, और यहाँ पे दोस्तों 12 वोल्ट पावर लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इस वेबसाइट पे होता है, इसकी डिटेल इस बॉक्स में छपा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों आप बॉक्स में एक्स्ट्रा अगर कार्ड लगाना चाहते हैं तो अलग से आप कार्ड लेके लगा सकते हैं, जैसा मुझे जानकारी मिला है इस बॉक्स के बारे में, ठीक है, इस सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों ने इस जिंग सुपर DTH बॉक्स के बारे में जानकारी आप लोगों ने हासिल की हमारे थ्रू। दोस्तों देखिए, आपको इस बॉक्स को ख़रीदना ही है तो आप जो नंबर मैंने दिखाया या गूगल पे सर्च करके इनके नंबरों पे आप कॉल करके ले सकते हो, लेकिन डिश टीवी के ही नंबर पे कॉल करके आप लेना, ठीक है, लग जाएगा। अगर दुकानदार है कोई, दुकानदार से संपर्क करके 800 रुपये 1000 रुपये में आपका ये लग जाएगा। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना, ऑनलाइन आपको एक महीने का ठांस के दे देंगे सब, तो दोस्तों वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, बाद में फिर आपको 450 रुपये लगाना होगा तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे आपको ये बॉक्स 2 साल की वारंटी सब कुछ देता है। तो आइए इस बॉक्स को हम चला के देखते हैं कि क्या है, कैसे है। एंटीने का वायर तो नहीं लगाएंगे, वैसे ही मैं इसके फंक्शन वगैरह दिखाऊंगा। जो D2H लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से ये बॉक्स आ चुका है। दोस्तों अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पे हम सेस 8 की फ्रीक्वेंसी डालते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, सेस 8, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हैं स्टार्ट पे आपको ओके करना है। ओके करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी देर ये वेट करेगा, रिसीविंग न्यू SW वर्जन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो लोडिंग एक बार और ले रहा है, और हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो ऑन होने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे प्लीज़ डू नॉट स्विच ऑफ सेटअप बॉक्स, तो ये कह रहा है अपने सेटअप बॉक्स को जो है आप ऑफ मत कीजिए, और हमारा हम जो है सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग फाइलें हो रही हैं हमारे सेटअप बॉक्स में। सिग्नल क्वालिटी जो है हमारे पास 75% और 97% के आसपास में आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ है 75%, सिग्नल क्वालिटी है 97%। तो दोस्तों अच्छी मतलब यहाँ पे सिग्नल मुझे मिल रहा है, और हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो 12688 फ्रीक्वेंसी पे ये अपडेटिंग कर रहा है, जो कि डिश टीवी की ऑफिशियल TP है। और यहाँ पे आपका डिश टीवी और DD फ्लोरिस दोनों पे ये वर्क करेगा, और उधर आपका 88 डिग्री ईस्ट DTH पे भी D2H पे भी काम करने वाला है, वीडियो कॉन पे भी। तो अगर आप वीडियो कॉन की पोजीशन पे आपका डिश लगा है तो भी आपका ये वर्क करेगा, और अगर आपका डीडी फ्लोरिस पे लगा है तो भी वर्क करेगा, और डिश टीवी पे लगा है तो भी वर्क करेगा। तो एक अच्छी चीज़ आपको इस सेटअप बॉक्स में देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे बूट ओल्ड सॉफ्टवेयर वर्जन इतना है, और न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन 09 आ चुका है, जो कि ये अपलोडिंग ले रहा है। वैसे दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, अभी हमारा जो सेटअप बॉक्स है एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेशन की प्रक्रिया में इसमें 12 घंटा के आसपास में लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं 80% हो चुका है, और यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से आपको करना होगा। और जो शुरुआत में मैंने जो सेटिंग दिखाई है ना, ठीक वैसे ही आपको सेटिंग करनी होगी, ठीक है। आपको सेस 8 अगर DD या DTH पे लगा है एंटीना तो सेस 8 आपको सेलेक्ट करना होगा, वरना आपको 88 डिग्री वीडियो कॉन पे लगा है तो वीडियो कॉन वाली आपकी पोजीशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे 100% होने के बाद देखते हैं दोस्तों क्या रंग रूप ये दिखाता है। ये फ्लैश राइटिंग प्लीज वेट, तो यहाँ पे हो रहा है, तो ये जिसे बोलते हैं फ्लैश फाइल ये अपलोड हो रही है। फ्लैश फाइल अपलोड होते ही हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 100% हमारे पास हो चुका है। अब दोस्तों आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या स्थितियाँ यहाँ पे बनती हैं। लोडिंग फ्लीज वेट फिर लिखा हुआ आ गया है। ये MPG4 वाले बॉक्सों जैसा नहीं है, नॉर्मल बॉक्सों के जैसा जो फ्री डिस्क के आते हैं कि बस एक बार झटका मारा और ऑन हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फिर से इसने लिया, शुरुआत में आपका ये प्रक्रिया करेगा उसके बाद से ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फिर ये शेष 8 वाला आ गया है। यहाँ पे ये सब सही है। अब यहाँ पे कह रहा है स्कैन करो, तो आपको अपने रिमोट से ये देख सकते हैं लिखा है स्कैन ब्लू कलर में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने रिमोट से स्कैन कर देना है चैनलों को। तो दोस्तों यहाँ पे आपके चैनल्स आपके सेटअप बॉक्स में आ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो सेटअप बॉक्स है ये स्कैन होता है। 518 चैनल यहाँ पे स्कैनिंग हुए हैं, तो हमने इसे ओके कर दिया है। और अब देख लेते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हमारे पास। देखिए सिग्नल नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारा जो डिश है वो बराबर तरीके से नहीं लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कह रहा है ये ब्लू बटन इन्फो, तो यहाँ पे इन्फो बटन मैंने दाब दिया है। इन्फो बटन पे ये क्या लिखा है, प्लीज़ रिचार्ज योर अकाउंट। तो ये नोट कीजिए दोस्तों, हमारा जो एंटीना वगैरह है सही है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ रिचार्ज। तो अभी जो दुकानदार है उसने अभी हमारा एक्टिवेशन किया नहीं है, ठीक है, ये कल तक हो पाएगा। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं चैनल तो दिखा भी नहीं सकता, शुरुआत में भी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं दिखाऊँगा चैनल, इसलिए क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों आप अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर ज़रूर करें अपने यार दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ये तो रही आज की वीडियो कॉल D2H की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण राम कथा इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन यहाँ पे खुल के नज़र आ रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से। तो हम ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, यस पे, उसके बाद से मोबीक्विक से। तो ये किसी भी तरह से आप इसे स्कैन करके रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत 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 धन्यवाद।